नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के सिहवारा की, जहां व्यापारियों ने जीएसटी सर्वे को अविलंब रोके जाने की मांग करते हुए विधायक पुत्र प्रियंका राणा को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश व्यापी जीएसटी सर्वे छापे को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। जीएसटी टीम द्वारा किए जा रहे सर्वे को लेकर व्यापारियों में खौफ का माहौल है। बाजारों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं और दुकानों को खोलने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि धामपुर और सिहारा में जीएसटी टीम के सर्वे और छापे को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। सर्वे के दौरान जीएसटी टीम और व्यापारियों के बीच नोकझोंक भी हो चुकी है। सिहारा में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन विधायक अशोक कुमार राणा के पुत्र प्रियंका राणा को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश व्यापी जीएसटी सर्वे छापे के कारण व्यापारी वर्ग भयग्रस्त और दहशत में है। इस सर्वे से इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी समाज का उत्पीड़न होगा, जिससे ईमानदार व्यापारी परेशान होंगे। पिछले कई दशकों से ये सर्वे बंद थे, लेकिन विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा शिकायत के आधार पर सर्वे का कानून जीएसटी में है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश के सभी बाजारों में चल रहे जनरल सर्वे से व्यापारियों में दहशत है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल ने इस सर्वे को बंद कराकर व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करने की मांग की है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा, नगर अध्यक्ष मुकेश माहेश्वरी सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।